सक्सेस मतलब सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके खुद के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है उन्नति कंपटीशन क्लासेस। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग 38। इसमें हम कवर करेंगे 2013 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके प्रीवियस एग्जाम में, और ये है बुक वॉल्यूम 1। ये बुक बेसिक बुक है। आज मैं इस बुक में से आपको वो चीज़ इम्पोर्टेंट हाईलाइट करवाने जा रहा हूँ जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस रेलवे का जो भी आपका एग्जाम अब होने वाला है वहाँ पर आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए। देखिए, कहते हैं ना कि अगर सफ़र में पैसों से अगर इंसान भरपूर हो तो सफ़र का आनंद बढ़ जाता है। अगर हाथ बहुत टाइट हो, पॉकेट काफ़ी तंग हो, इंसान सोच सोच के खर्च करे तो वो एंजॉय नहीं कर पाता घूमने का, सफ़र का। तो उसी तरह से हमारे साथ भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि अगर हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, अगर हमको स्टैटिक जीके, स्टैंडर्ड जीके, बेसिक जीएस हमको ना पता हो तो हमारा कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम में नहीं बन पाता। हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, अड़ोसी पड़ोसी का मुंह निहारते हैं, एग्ज़ाम सबमिट करते हैं और वापस आ जाते हैं, मतलब कि खाली हाथ गए, खाली हाथ वापस आए। तो अगर एग्ज़ाम को अगर आपने एंजॉय करना है, एग्ज़ाम में अगर सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको ईमानदारी के साथ पढ़ना पड़ेगा, ना चीटिंग अपने आप के साथ करनी है ना अपनों के साथ। किताब खोल के बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपना अटेंशंस, अपना डेडिकेशंस, अपनी कंप्लीट एनर्जी जो लगानी है तो वो लगानी है पढ़ाई पर, रिविज़न पर। आई थिंक मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। मैं बढ़ता हूँ अपने आज के इस वीडियो में और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मैक्सिमम जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस वीडियो में, पेज नंबर 122। इसमें देखिए पहला जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका वायसराय। देखिए, वायसराय था लॉर्ड रिपन ने प्रथम बार स्थानीय स्वशासन को चुनाव के आधार के रूप में उपयोग किया। अब देखिए एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछेगा, तो वन लाइनर जी के जो भी आप पढ़ते हैं उसमें अपना एक क्वेश्चंस बना के देखिए। इसमें क्या पूछेगा कि प्रथम बार स्थानीय स्वशासन को चुनाव के आधार के रूप में उपयोग किस वायसराय ने करा था। आपके सामने चार वायसराय का नाम होगा तो आपको राइट आंसर चूज करना है उसमें, लॉर्ड रिपन। अब देखिए सेकंड कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो देखिए पूरी बुक है। अगर आपके पास में समय है तो आप एक एक लाइन को ढंग से पढ़िए, कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी एग्जाम में ये पक्का टकराएंगे क्वेश्चन। लेकिन समय बहुत कम है तो मैं केवल आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ही हाईलाइट करवा रहा हूँ। थर्ड पॉइंट है आपका अनुच्छेद 350A में यह प्राविधान है कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में ही अध्ययन करने देने की सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करें। तो इसने ये बोला है, आर्टिकल 350A हमसे ये कहता है कि जो भी राज्य सरकार होती हैं, जैसे कि आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़, आपके ये केरला वगैरह जो तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे स्टेट हैं, तो इसमें बोला गया है जो भी प्राथमिक शिक्षा होती है वो उनकी लैंग्वेज में ही होनी चाहिए, जिससे कि वो कम से कम कुछ तो ग्रोथ कर सकें। अगर हम दिल्ली में रहते हैं, हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, अचानक से हमारे सब्जेक्ट में बंगाली आ जाए, सारे सब्जेक्ट मतलब ज्योग्राफी, साइंस बंगाली लैंग्वेज में होगी तो क्या होगा, हम पढ़ पाएंगे नहीं ना, हम फेल हो जाएंगे, हम प्राथमिक शिक्षा भी गेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बोला गया है आर्टिकल 350A में जो भी लैंग्वेज होती है उस स्टेट की, उसी स्टेट में उसको प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए ये चीज़ें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, जो मैं आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो वह है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला दौला को हराया था। अगला पॉइंट है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था और क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के विख्यात कवि थे और सत्यमेव जयते का स्रोत मुंडको उपनिषेद है। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन। अब काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि लड्डू क्वेश्चन क्या होता है। लड्डू क्वेश्चन का मतलब होता है इजी क्वेश्चन, जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, गंभीर सोच विचार करने की आवश्यकता आपको नहीं है,
ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस है। अगर आपने आपको तैयारी करते हुए 6 मंथ हो गया तो आपने ये क्वेश्चन पक्का देखा होगा कहीं ना कहीं अपने रियल एग्जाम में या फिर मॉक टेस्ट में। अगला पॉइंट है, अहमदनगर की आज़ादी को बचाए रखने के लिए चांद बीवी ने मुगलों से लड़ाई की। अगला पॉइंट, राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि नौसेना शक्ति का उत्थान के क्षेत्र में थी। और मेहरुन्निसा शादी के बाद जहांगीर की बीबी नूरजहां के रूप में जानी गई। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? स्वामी विवेकानंद। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग थोड़ी साफ नहीं है क्योंकि बुक में ही प्रिंटिंग काफ़ी लाइट थी। अगला पॉइंट हमारे सामने की संसद के भाग 4 में नीति निर्देशात्मक सिद्धांत उल्लेखित है। KYC की फुल फॉर्म क्या है? नो योर कस्टमर। ये KYC जो टर्म है वो बैंक में यूज होती है, आपको पता होगा। पीर पंजाल रेंज शिवालिक का हिस्सा है और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। अब कैड का अर्थशास्त्र में जो कैड है, कैड की फुल फॉर्म क्या होती है? करंट अकाउंट डिपॉजिट। BCG टीका का जो नाम है उसमें बी से क्या क्या तात्पर्य है? तो बी से मतलब है बैसिलस। मानचित्र में समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आइसोथर्म। अगला पॉइंट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत रखा गया है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि समानता का सिद्धांत कौन से आर्टिकल से संबंधित है, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। आपके सामने दो आर्टिकल देगा, 14, 15, 16, 17। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 14। अगला जो पॉइंट है हमारे सामने की 86वां मतलब 86 संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। कोशिका झिल्ली पादप वे पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ये जो झिल्ली है जिसका नाम है कोशिका झिल्ली, ये पादप वे पशु कोशिका है और ये दोनों में ही पाई जाती है। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका अवतल लेंस। और शरीर के अग्नाशय में हाइपोथैलेमस होता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है शेरों के लिए विख्यात है और H2O को आमतौर पर पानी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेट पंजाब के बारे में। पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़, उच्च न्यायालय है इसका चंडीगढ़। उसके बाद विधानमंडल है इसका 1 सदनात्मक, विधानमंडल सदस्यों की संख्या 117, लोकसभा 13, राज्यसभा 7। तो ये जो स्टेटिक जो काउंटिंग है स्टेट को लेकर के आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 123 पर कि सुविख्यात सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो ये है आपका कोणार्क में। और पंच प्यारा प्रथा का आरंभ करने वाले गुरु का नाम है गुरु अंगद। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण में मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है और कलकत्ता स्थित बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जॉन्स ने की थी। अहमदाबाद शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। देखिए एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, रियल में बोल रहा हूँ मैं आपसे, आप इसको जरूर याद करना। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प में परिणत हो जाता है। अद्वैतवाद के सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो ये है शंकराचार्य। और क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना संग्रहालय है भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता में है। जो ये आप याद रखना कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये है आपका कलकत्ता में और इसका नाम है भारतीय संग्रहालय। नेक्स्ट है CII का पूर्ण रूप है हमारा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है समझौता एक्सप्रेस। कोरबा अतिताप संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है आपकी नाइट्रोजन। अगला पॉइंट, सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। सल्फाइड परत के बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है। कनिष्क द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता है। बीजक कबीर की रचना है
और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट है। सरकार के कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका के नाम से जाना जाता है। याद रखना, विधायिका के नाम से एक संस्था है ये, और ये सरकार के कानून बनाती है। कृष्णदेव राय के दरबार के अष्ट दिग्गज में उनके दरबार के 8 महान कवि शामिल थे। कोरबा कोल फील्ड कहाँ पर है? तो यह है आपका झारखंड में। सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के मध्य है। और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है कि स्वास्तिक जो होता है, आप देखते हैं ओम, ओम के साथ में जब आप मंदिर वगैरह में जब पूजा पाठ करते हो तो वहां पे आपके पंडित जी एक स्वास्तिक बनाते हैं, मतलब जेड टाइप का सीधा, जेड टाइप का उल्टा, इसे बोलते हैं स्वास्तिक। तो स्वास्तिक दिन कहाँ की है? तो ये भी आपका हड़प्पा सभ्यता की है। अगला पॉइंट है हमारे सामने कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। शब्द कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। कोर का अर्थ क्या है? सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे एम्प्लॉयमेंट। शरद विषुव 23 सितंबर को होता है। वायुमंडल के पहली परत को शोभ मंडल कहते हैं। शोभ का मतलब परिवर्तन मंडल, मौसमी घटनाएं सभी इसमें कौन सी होती है? शोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। पिछले वीडियो में, इससे पिछले वीडियो में मैंने इस मंडल के बारे में आपसे डिस्कस करा था, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। सॉरी, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है आपका केनिस फैमिलरिस। मेकर कोड जो होता है इसमें सी का अर्थ क्या होता है? इसका सी में, इसका सी अर्थ होता है करेक्टर। अब बढ़ते हैं हम लोग हरियाणा। राजधानी चंडीगढ़, मुख्य भाषा हिंदी तथा हरियाणवी, उच्च न्यायालय चंडीगढ़, जिले 21, विधानमंडल एक सदनात्मक, विधानसभा सदस्यों की संख्या 90, बात करें राज्यसभा की तो 5, लोकसभा की 10। पेज नंबर 124। टाइगर वुड्स गोल्फ खेल से संबंधित है। नियाग्रा प्रपात यूएसए में स्थित है। भारत 1945 में यूएनओ का सदस्य बना था। भारत के लोह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और देखिए बच्चों, अगर आपको कभी भी फुर्सत मिले एग्जाम के बाद में, तो एक यूट्यूब पे आप एक सीरियल सर्च करना, प्रधानमंत्री संविधान, प्रधानमंत्री संविधान एक सीरीज थी, और उसमें 12-15 एक एपिसोड बना था जिसमें संविधान के बारे में एक एक चीज का डिस्कस करा गया था। हिंदी में सभी वीडियो हैं, आप वो वॉच करना। आपका संविधान से संबंधित कुछ चीजें क्या, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको संविधान पढ़ने में बोरिक लगती है तो वो सभी वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। मेरे चैनल पे वो वीडियो नहीं है, वो एक्चुअली लोकसभा जो चैनल है आपका, न्यूज़ चैनल, तो उसी में एक सीरीज चली थी, वो शायद आपका वीडियो यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगा, वो सभी देखिए और काफ़ी आपको अच्छा भी लगेगा, आपकी नॉलेज भी गेन होगी। मैं बढ़ता हूँ अगले पॉइंट की ओर। लुम्बिनी बौद्धों का एक पवित्र स्थान है। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। चंडीगढ़ दो राज्य पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान को आपस में अलग करती है। इनकी सीमा रेखा, मतलब भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। रिहंद नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। भारत का उत्तरी मैदान कच्छारी मिट्टी से आच्छादित है। खैबर दर्रा हिमालय प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के रचयिता मैगस्थनीज हैं। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त को थक्का बनने में थंब्रो साइट मदद करता है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक अश्व शक्ति का मात्र 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एग्जाम में आपसे ये पूछता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, आपको याद रखना है 746 वाट। वाट कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। और मिडनाइट चिल्ड्रन के रचयिता सलमान रशदी हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 35 वर्ष। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कुमा नीदार तुला हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है।
प्रमुख यम्योत्तर मतलब पीएम इसको बोलते हैं हम लोग, ग्रीनविच से होकर के गुजरता है इंडिया गेट पुस्तक को, लेसी फॉसबर्थ ने लिखा था। और इंडिया गेट कहाँ पर है, तो यह है आपका दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई में। नेक्स्ट, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ उस समय पाकिस्तान पर अयूब खान शासन कर रहा था। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, बगदाद टिग्रिस नदी के तट पर बसा हुआ है। ओजोन का अधिकतम संकेंद्रण समताप मंडल में पाया जाता है। भारत में सिविल सर्विसेज की संस्थापक कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा लिखी गई थी। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। देखिए एक बार एटलस उठा करके इस वीडियो के बाद में आप देखना कि मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, गुवाहाटी, ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ जो एरिया है ना आपका, यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन से बॉर्डर कौन से देश को टच करता है, कौन सा स्टेट हमारी इस कंट्री को टच करता है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक ना एक पक्का पूछेगा, तो इसलिए तैयारी अभी से कर लो। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली भारत की राजधानी है, ये आपको पता ही होगा। क्षेत्रफल है इसका 1483 वर्ग किलोमीटर। कुल साक्षरता रेट है इसका 86.34%। मेल की बात करी जाए तो 91%, फीमेल की 80%। विधानमंडल एक सदनात्मक है, विधानसभा सदस्य की संख्या 70 है, लोकसभा 7, राज्यसभा 3। कलकत्ता के बाद भारत में मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ चली थी, तो ये हुई थी स्टार्ट 25 दिसंबर 2002 में दिल्ली में। स्टार्टिंग इसकी हुई थी एक्चुअली शाहदरा से, इसकी हुई थी कश्मीरी गेट तक, जो हमारे ही घर के पास में ही है शाहदरा दिल्ली में, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मात्र 1.5 किलोमीटर का दायरा है, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मेरे घर के पास में इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो पूछा गया है कई बार ये क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, ध्वनि तरंगे आदर्श निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीन का राजदूत इबन बतूता को बनाया गया था, और ये कहाँ का था, ट्रैवलर, ये था आपका मोरक्को का। सिक्योरिटी बाजार सेबी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत कार्य करता है, और पुनः निर्माण एवं विकास से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बैंक वाशिंगटन में स्थित है। हवाई द्वीप समूह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। पारे का दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं क्विक सिल्वर। मैराथन दौड़ के दौड़ने की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 26 मील 385 गज। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निकोलस कॉपरनिक्स एक खगोल भौतिक विज्ञानी है। प्राचीन मिस्र में लोग अपने मृतकों को संरक्षित रखते हैं रखते थे, ममीज कहलाते थे, इनको बोलते थे मम्मी, MUMMY, मम्मी या फिर ममीज बोलते हैं। मिस्र में क्या होता है कि जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि या तो दफना देते हैं, मतलब एक नॉर्मल सा गड्ढा खोद के उसमें हमारी बॉडी को दफन कर देते हैं, या फिर जलाते हैं, तो बॉडी का कोई नामो निशान नहीं होता। लेकिन मिस्र में क्या होता है कि लोग अपने मृतकों को हमेशा के लिए सुरक्षित रखते हैं, उनके पास जाकर उनको कभी भी देख सकते हैं, उन्हें टच कर सकते हैं, उनसे अपनी दुख दर्द बांट सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से ऐसा नहीं होता है। अब देखिए बात करते हैं कि एक्स किरणें की खोज रोंटगेन ने की थी, और न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन है। तिरुचिरापल्ली शहर कावेरी नदी के किनारे स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। शीतलक के रूप में फ्रॉन का प्रयोग किया जाता है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार का उद्घाटन किया था। बीपीओ की फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देखिए एक होता है बीपीओ, बीपीओ मतलब इसे कॉल सेंटर डे नाइट बोलते हैं ना, कि यार कि बीपीओ में काम करता है वो, तो लड़की उसकी बीपीओ में काम करती है, लेट नाइट आती है, शिफ्ट लगती है, और दिन रात एक करना पड़ता है उसको, शिफ्ट जो होती है कभी डे कभी नाइट, वो वाली बीपीओ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक होता है बीपीओ, एक होता है केपीओ। बीपीओ की फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, केपीओ की फुल फॉर्म आप मुझे भेजेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। उम्मीद करता हूँ कि आपका कमेंट्स आएगा, बाकी मैं काफ़ी उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से कि कमेंट्स आप मुझे करिए, अपना स्कोर भेजिए, जो भी ऑब्जेक्टिव बुक चलती है इस रेलवे की वॉल्यूम 2 की, तो
कमेंट्स तो बहुत कम ही आते हैं आप लोगों के। सोच रहा हूँ कि कमेंट्स परमानेंट अब रिमूव कर देना चाहिए, मुझको डिसेबल कर देना चाहिए, मतलब क्योंकि आप लोग समझदार हैं, आपको लगता है कि आपको अटैम्प्ट करना चाहिए कोई भी क्वेश्चंस। आगे बात करते हैं, पत्तियों के फलक पर स्थित सूक्ष्म छिद्र क्या होता है? स्टोमाटा होता है, यीस्ट में जनन द्विखंडन माध्यम से होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। अन एक्सटम्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका है झुंपा लहरी। भारत में सर्वोदय योजना के मुख्य प्रस्तारक जो है जयप्रकाश नारायण है। सेकंड पंचवर्षीय योजना महा लनो बीस, ठीक है, महा लनो बीस मॉडल पर आधारित थी। सेबी एक गैर संवैधानिक निकाय है। सुप्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा को मोहम्मद इकबाल ने तैयार किया था और इलाहाबाद प्रशस्ति को हरिसेन ने लिखा था। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, और बात करी जाए सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। भूकंप की तीव्रता को मापन जो है वो रिक्टर स्केल पर किया जाता है, और एडविन हब्बल ने महाविस्फोटक बिग बैंग सिद्धांत पर साक्ष्य प्रदान किया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश की राजधानी है इसकी शिमला। विधानमंडल एक सदनात्मक, विधानसभा सदस्यों की संख्या 68, राज्यसभा 3 और लोकसभा 4। आगे हम बात करेंगे पेज नंबर 126 की अगले वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड तक फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मैक्सिमम शेयर करिएगा, क्योंकि मेरा बस केवल छोटा सा प्रयास यही है कि ये वीडियो उस बच्चे तक पहुंचना चाहिए जो एक गांव के छोटे से कोने में रहता है, जहाँ ना तो मार्केट है ना ही ऑनलाइन फैसिलिटी अमेजन की, फ्लिपकार्ट की। वो बुक मंगवाना चाहता भी है लेकिन उस तक बुक नहीं पहुंच पाती, और दूर गांव जैसे शहर में वो 120 150 रुपये की बुक परचेज करने के लिए 100 150 रुपये का किराया खर्च नहीं कर सकता। ऐसे बच्चे तक वो वीडियो तभी पहुंचेगा जब आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे, इस पर मैक्सिमम व्यू आएंगे, आपका लाइक मिलेगा। बाकी देखिए आपकी मर्जी, आपकी सोच। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम केवल अपना अपना सोचेंगे, हमें क्या पड़ी किसी और की, गो टू हेल। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं, मुझे मालूम है कि अपना 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 अपना, देखिए समाज में रहते हैं तो अपना औरों का दोनों का ही सोचना पड़ता है, और अपना अपना वाला केवल अपना अपना सोचते ही रहता है। और मैंने देखा है कि देखिए जो लोग सहयोग करते हैं ना दूसरे इंसान का, वो बहुत जल्दी आगे निकल जाते हैं। आपके सामने भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे, मेरे एग्जाम्पल काउंट करने से कुछ नहीं होगा। मुझे मालूम है कि कुछ बच्चों को शायद यकीन भी ना हो, और मैं अपना सीना चीर के तो आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं हनुमान नहीं हूँ और ना ही आप राम हैं, ना आप राम बन सकते ना मैं हनुमान, तो सीना चीरने वाली बात तो साइड रखो। तो देखिए आपके एक का दोस्त वगैरह होते होंगे, जैसे कि आप उसके पास कभी गए क्वेश्चन पूछने के लिए, वो तुरंत आपको बताने के लिए तैयार हो जाता था कि मैथ का क्वेश्चन बेटा ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो बेटा, ऐसे करो ऐसे करो, समझा दिया आपको, और आपने देखा कि उसका तुरंत सिलेक्शन हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जरूरत से ज़्यादा चला के दिखाते हैं कि हम क्यों बताएं उसको भी, वो कि हमसे आगे ना निकल जाए। अरे आगे निकलेगा तो अपनी मेहनत पर निकला ना, तुम भी मेहनत करो तुम भी निकलोगे आगे। हम लोग इसी खुराफात में उलझे रहते हैं कि उसकी टांग कैसे खींचें, उसका नीचा कैसे दिखाएं। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ अपने चैनल पर, तभी मैं बच्चों बोल रहा हूँ, वरना मुझे, मैंने अब तक अपने लास्ट के वीडियो के एंड में मैंने इतनी बातें नहीं करी। मैंने देखा है कि कुछ खुराफाती स्टूडेंट है जो ये चाहते हैं कि मैं गुस्से में आके सारे वीडियो रिमूव कर दूँ, डिसलाइक मारना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करना, गंदे गंदे कमेंट्स करना, बहुत सारी चीज़ें। मैं अपना काम करूंगा, आप अपना काम करो, आप मेरी टांग खींचो, मुझे लगेगा इग्नोर मारना है तो मैं कमेंट बॉक्स को डिसेबल बहुत जल्दी करने वाला हूँ। उसका रीज़न यही है कि अच्छे कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिलहाल ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा कमेंट बॉक्स इनेबल, ना होगी आपकी टैं 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 फिश, ठीक है, क्योंकि ताता वाता आपका लगे रहता है, मतलब कि फिर कहीं ना कहीं मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। 1000 में से केवल 10 कमेंट्स काम के होते हैं तो मैं इतने सारे कमेंट्स क्यों पढ़ूँ, 1000 के बाद मुझे 10 कमेंट्स काम के मिले, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और एक्चुअली उस टाइम को मैं यूटिलाइज करूंगा अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। गॉट इट? तो फ्रेंड मिलता हूँ आपसे जल्द एक नए वीडियो के साथ में। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एट मैक्सिमम शेयर फेसबुक एंड व्हाट्सएप के माध्यम से। बाय बाय, टेक